इसका ट्राई करने लगा। ये देखिए इसके ट्राई लेने गए हैं। वापिस आ रहे हैं ये ट्राई लेके आए। यहाँ अब मैं जाऊंगा इसकी ट्राई लूंगा, लेकिन अभी मुझे लगता है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। ये इसको लेके अंदर आ रहे हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम निकली है। मुझे लगता है इसका क्लच अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ। जी क्या इशू आ रहा है अब इसमें? एडजस्ट क्लच की एडजस्टमेंट होने वाली है ना? हाँ वो होगी। बाइक से हमने ठीक करवा ली है। सदीक के पास से हम निकले अभी और सदीक ने हमें कहा कि आदिल होटल के कबाब हैं बहुत अच्छे हैं, ये आप खाएं। तो हम अब ये आदिल होटल पे आए हैं। ये बाबा जी से बातचीत हो रही है हमारी कबाबों के सिलसिले में। ये कबाब लगाने लगे हैं, ये देखें। ये 60 रुपये से कबाब स्टार्ट होते हैं, 200 रुपये तक का एक कबाब है और 50 रुपये का भी कबाब है। मतलब वो आप पे डिपेंड करता है आपने कितने वाला लगवाना है। जाहिद भाई हम कितने वाला कबाब लगवा रहे हैं? 10 रुपये इन्होंने हमें रैत दी है, 50 वाला कबाब हमें ये 60 रुपये में लगा के दे रहे हैं। इसके साथ चटनी भी देना है आपने। चटनी क्या चाहिएगा? अस्सलाम वालेकुम। हमने ट्रैवल स्टार्ट कर दिया है, सामान पैक कर लिया, निकल गए हम होटल से और देखें अब हम कहां तक जाते हैं। और कह तो रहे हैं कि बड़ा इजी आगे ट्रैवल, इतना डिस्टेंस भी नहीं है, 1 घंटे का ट्रैवल है, 1 से 1.5 घंटा लगेगा। बारिश हुई है, पथरीला रास्ता, हो सकता है थोड़ा रोड ख़राब हो। अस्सलाम वालेकुम जी। चूँकि रात थी, रात में हम लोग इसको वीडियो नहीं बना सके यहाँ की। अब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की वीडियो, देखें आप। ये वो रास्ते थे जिनको हमने रात में क्रॉस किए। ये कुछ भी नहीं है उस रास्ते के आगे जिसको हमने रात में किया है। और अभी हम इसको दोबारा से कर रहे हैं, आगे जाएंगे ट्रैक मिलेगा बीच में हमें वो वाला भी। बहुत मुश्किल ट्रैक है ये, उस मुश्किल ट्रैक के आगे कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह निकले हैं तो कुछ ना कुछ तो करके आएंगे वापस। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत डेंजरस है, ये देखें सारा रेतला है, यहाँ पर बाइक स्लिप हो जाती है। अब हमने किधर जाना है जाहिद भाई? इनसे पूछते हैं। अस्सलाम अब वो आ जाए तो हम निकले। ये शाही बाग से आ रहे हैं जी। कोई इतनी अब चढ़ाई नहीं है, लेकिन हम जब आए थे जहाँ अभी हम रुके थे, यही वो प्लेस थी जहाँ से हम ऊपर से नीचे आ रहे थे पहाड़ से। हमारे लेफ्ट साइड पर वही पहाड़ है,
जिनको हम क्रॉस करके नीचे आए हैं, और एक एक्सट्रीम एडवेंचर था जिसको हमने किया। मज़ा आया बहुत, ऐसे एडवेंचर्स कभी कभी करने को मिलते हैं। यहाँ सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि आपको हेल्प आउट करने वाला कोई नहीं मिलता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी बाइक ख़राब हो गई तो आपको जब तक कोई मकाम पर पहुंच नहीं जाते आपका काम नहीं हो सकता। अब कल से बाइक की क्लच प्लेटें ख़राब थी और हम लोग बहुत मुश्किल में उसको लेके आए हैं। किस तरह से लाया हूँ ये मैं जानता हूँ और अल्लाह जानता है। हमने उस ट्रैक को किया उन्हीं ख़राब क्लच प्लेटों के साथ ही, लेकिन बेनिफिट ये था कि उतराई थी, चढ़ाई नहीं थी, कहीं कहीं बीच में आती थी चढ़ाई भी, ज़्यादा उतराई ही थी। अब जैसे हमारे राइट हैंड पे दरिया चल रहा है और लेफ़्ट हैंड पे पहाड़ हैं सारे, आप देख सकते हैं। स्लो ड्राइव कर रहे हैं इसलिए कि कंफर्टेबल नहीं है रोड। ऑब्वियसली रोड कंफर्टेबल होती तो हम ड्राइव भी अच्छी करते, सेफ ड्राइव होती। यहाँ ड्राइव सेफ नहीं है। अब आप इलाका देख रहे हैं, ये सामने मैदान आ गया है। सारा पथरीला रास्ता है ये, कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। पानी ही पानी। पथरीले रास्ते पे ये सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि आप किस ट्रैक पे चलें, क्योंकि हर तरफ पत्थर ही पत्थर होते हैं। कहीं भी स्मूथ पत्थर नहीं आपको मिलता जहाँ पर आप बाइक को ड्राइव कर सकें, तो फिर आपको इन्हीं उबड़ खाबड़ रास्तों के ऊपर ही बाइक चलानी पड़ती है। और फिर सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इसको कंट्रोल करना। कहीं स्लिप हो गई तो आप गिरेंगे, चोट आएगी, जो आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। कि इस जगह पर सेफ ड्राइव बहुत ज़रूरी है ताकि आपको चोट ना आए। चोट लगेगी आपके लिए भी प्रॉब्लम, आपके ग्रुप वालों के लिए भी प्रॉब्लम। कितनी गहरी है, कितनी हल्की है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। रजा भाई वगैरह पीछे आ रहे हैं 125 पे। हम स्लो ड्राइव करते हुए आगे आगे जा रहे हैं। कल से 5 की 4 की, मतलब अगर हमने बहुत ज़्यादा स्पीड मारी है तो हमने बस 5 तक गए हैं। 5 से ऊपर नहीं हम मीटर लगा सके क्योंकि रास्ता भी ऐसा नहीं था। और अभी भी मेरी बाइक जो है वो जस्ट 2 और 3 पे चल रही है। इससे ज़्यादा मैं बाइक को भगा नहीं सकता, जोर नहीं डाल सकता, क्योंकि क्लच प्लेटें भी डलवाई हैं। कहीं फिर से कोई पंगा ना खड़ा हो जाए। ये देखे राइट साइड पर दरिया चल रहा है, सामने चटियल पहाड़ हैं, धूप है, तेज़ धूप है, गर्मी लग रही है। मतलब गर्मी पसीने वाली नहीं है, साथ हवा भी चल रही है, कोई इतना ख़राब मौसम नहीं इसको कह सकते, लेकिन धूप चुभने वाली है। धूप चुभ रही है हमें और हम चाह रहे हैं कि किसी ठंडे मौसम में चले जाएं। लेकिन कल जब जिस ठंडे मौसम में हम कल थे वहाँ तो इतनी सख्त सर्दी हो गई थी ना कि हाथ जम रहे थे, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। यहाँ नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चलती हैं। ये आगे आप नंबर प्लेट पे लिखा देख रहे होंगे,
NCP, ये ज़्यादा यहाँ नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चलती हैं खैबर पख्तूनख्वा में। ये जी, ये बुनियादी मरकज़ सेहत आ गया यहाँ पर हमारे राइट हैंड पे, और आगे देखिए इतना खूबसूरत पहाड़, क्या ज़बरदस्त पहाड़ है ये। अभी तक हमें एक ही ग्लेशियर मिला है जो हमने आपको दिखाया कल, इसके अलावा अभी तक हमें ग्लेशियर नहीं कोई भी मिला। अल्लाह करे अब हम सवात की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी खैर फ़िलहाल सवात की तरफ तो नहीं है हम, सॉरी अपोजिट जा रहे हैं हम, अभी किला की तरफ जाएंगे, बाग जो है उसका, उससे फिर हम वापस सवात की तरफ निकलेंगे, शायद मौसम कुछ चेंज मिल जाए हमें वहाँ पर। यहाँ एक बात जहन में रखिएगा, अगर आप बाइक पर यह इस तरह के ट्रैक करना चाहते हैं जिस तरह से कल हमने किया, जिन क्राइसिस को हमने फेस किया कल, अगर आप लोग बाइक पे ट्रैक करना चाहते हैं तो बाइक की चीज़ें ज़रूर साथ में रखें, एक किट साथ में रखें, एक्स्ट्रा क्लच प्लेट साथ में रखें, किसी भी कारीगर से वहाँ एक दफ़ा आप देख लें कि वो कैसे चेंज करता है, उसकी एक वीडियो क्लिप बना के अपने पास रख लें कि उसने इसको कैसे चेंज किया है। मैंने भी अभी यही किया कि जो क्लच प्लेटें मैंने चेंज करवाई हैं उनका मैंने एक वीडियो क्लिप बना के रख लिया है, और अल्लाह ना करे आगे कुछ इतना वैसे डेंजरस रास्ता नहीं है, मतलब चढ़ाई नहीं है इतनी ज़्यादा, आ भी सकती है, लेकिन कल तो एक्सट्रीम चढ़ाई थी जो हम कंटिन्यू चढ़ते ही आ रहे थे, और पहले गियर के अलावा बाइक दूसरा गियर ले ही नहीं रही थी, दूसरे गियर पे तो वो ज़ोर पकड़ ही नहीं रही थी। तो फिर हमने उसको किया है कल पहले गियर में, उसकी वजह से क्लच प्लेटें उड़ गई हैं, इंजन अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इंजन में, अभी तक मेरी बाइक का इंजन नहीं खुला, जिनसे मैंने परचेज़ की है उन्होंने भी इसका इंजन का कोई काम नहीं करवाया, क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं निकला। 2020 मॉडल है ये, दिसंबर एंड है मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं, डॉक्यूमेंट्स पर डेट्स मेंशन है, लेकिन मेरा मूड बन रहा है कि मैं इसको सेल आउट करके तो मैं 150 लूँ, थोड़ी पावर में बढ़ जाएगी। और इसके गियर हैं पहला आगे और चार पीछे हैं इसके गियर। इसमें सम टाइम ऐसा होता है कि आप चला रहे होते हैं और आपके जहन से अचानक से निकल जाता है कि पिछला गियर लगाना था कि अगला लगाना था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए बेहतर हाल यही होता है कि आप जिस पे आप कंफर्टेबल हैं आप वो वाला इस्तेमाल करें बाइक, इस तरह की चीज़ यूज़ मत करें जिसमें आपको ये प्रॉब्लम हो कि भाई अनकंफर्टेबल हो। मैंने इस बाइक को चूँकि पहले कभी नहीं चलाई थी, इस तरह की YBR यूज़ नहीं करता था मैं, मैंने 70 रखी हुई है घर में, नॉर्मल वही यूज़ करता था। इसके ऊपर मैंने प्रॉपरली इसको फोकस किया, इसको कैसे चलाना है इसके ऊपर मैंने ट्रेनिंग की है, फिर मैंने इन पहाड़ी इलाकों में आया हूँ, अदरवाइज़ इसको चलाना मुश्किल था मेरे लिए ख़ास तौर पर। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ ड्राइव कर रहे हैं, ठीक जा रहे हैं।